इधर बिहार के महाबाढ़ का खतरा बिहार में मंडराने लगा है। नॉर्थ बिहार के कई जिलों में कोसी समेत तमाम नदियां तबाही मचाने के लिए मचल रही हैं। बताया जा रहा है कि 56 साल बाद कोसी का इतना विकराल और रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सहरसा, अररिया, सुपौल और गोपालगंज की ताजा हालात पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सितंबर का अंत होने वाला है, लेकिन बिहार में बाढ़ का तांडव बढ़ता ही जा रहा है। नेपाल का पानी उत्तर बिहार में तबाही मचा रहा है। नेपाल से हो रही भारी बारिश के कारण बिहार में जल प्रलय जैसी स्थिति बनती जा रही है। तस्वीरें सहरसा की हैं। नेपाल से 6,81,000 पानी छोड़े जाने की सूचना के बाद सहरसा में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। SDRF के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पानी बढ़ रहा है, स्थिति नॉर्मल है और भी हम लोग को अलर्ट रहने का आदेश मिला है और प्लस में जो भी तटीय जो निवासी हैं उनको हम लोग बताया हूँ कि आप लोग सुरक्षित स्थान पर जाया करो और इसके बाद में जो भी बाढ़ आश्रय गृह है उनका शरण लो। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं, लेकिन कुछ व्यवस्था करना चाहिए कि लोग कैसे जिएगा, कैसे ऊंचे जगह पर रहेगा। लोग के लिए कुछ खाना पीना व्यवस्था सब ऊंचा जगह पर करना चाहिए, बहुत स्थिति खराब हो जाएगा। घर घर पानी, घर भी भर सकता है। नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश के बाद अररिया की बकरा नदी उफान पर है। पलासी प्रखंड के धर्मगंज और पिपरा बिजवार पंचायत के आधा दर्जन गाँव के निचले इलाकों में नदी का पानी फैल गया है। तो वहीं धर्मगंज से मेहरो चौक जाने वाली मुख्य ग्रामीण सड़क पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोग अपने घर और मवेशी छोड़कर जाना नहीं चाहते। नेपाल में हो रही बारिश से पूरे नॉर्थ बिहार में दहशत का माहौल है। तस्वीरें सुपौल की हैं। यहाँ कोसी नदी उफान पर है। कोसी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोसी तटबंध के किनारों के घरों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। कोसी नदी के तटबंधों की सुरक्षा को लेकर सभी अभियंताओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की टीम पेट्रोलिंग कर रही है। निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा जा रहा है। अभी वर्तमान में पानी स्मूथली पास कर रहा, कहीं पे कोई तटबंध पे कोई सुरक्षा का स्थिति नहीं है, सारे स्थल सुरक्षित है। फिर भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तटबंध के अंदर को लोगों को हम लोग अलर्ट कर दिए हैं कि आप लोग अगर यथासंभव हो तो अपने तटबंध के बाहर निकल जाएं या उचित स्थल पर चले जाएं, क्योंकि पानी का जो फोरकास्ट है संभावना है कि और बढ़ने की संभावना है। बिहार के गोपालगंज में सैलाब से निपटने की तैयारी की जा रही है। नेपाल में हो रही भारी बारिश के बाद गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाकों में पानी प्रवेश करने लगा है। तो वहीं DM मोहम्मद मकसूद आलम ने 70 घाट, 0 माइल और सारण तटबंध की सुरक्षा का जायजा लिया है। अभी हम लोग के कंट्रोल है, अभी कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन अब आने की संभावना है कि वाल्मीकि नगर जब पानी छोड़ेगा यहाँ पर आने में उसको 20 से 24 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पर आता तो फिर देखते हैं, हम लोग अलर्ट है। बाकी बांध तो हमारा सुरक्षित, अभी सेंट्रलिंग वगैरह हो, इसकी टीवी वो सब अलर्ट है। हम लोग रात में पेट्रोलिंग वगैरह भी कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ कमजोर पॉइंट है वहाँ पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अगली खबर राजस्थान से। जलस्तर बढ़ने पर कोटा बैराज के गेट खोले गए। 3-3 फीट गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में भारी बारिश का साइड इफेक्ट है कि कोटा बैराज के गेट खोलने पड़े। इसका असर सीधे तौर पर राजस्थान के निचले इलाकों में दिख रहा है। बांध ओवरफ्लो होने के चलते प्रशासन को ये गेट खोलने पड़े, जिसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। कोटा बैराज की बात करें तो इस सीजन में पानी की निकासी के लिए सबसे ज्यादा बार गेट खोले गए। 6 गेट खोल दिए गए। अगस्त सितंबर में कोटा बैराज के 6 गेट खोलकर करीब 50,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कोटा बैराज की तस्वीरें। और जब पानी छूटा तो उसका वेग कितना था, और जरा सोचिए कि ये यहाँ से अगर रिहायशी इलाकों में जाएगा तो ये किस तरह से तबाही मचाएगा। बड़ी बात यह है कि निचले इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। यहाँ लोगों के लिए मुश्किलें अभी और बढ़ती हुई दिख रही हैं और अगर बारिश का सितम जारी रहा तो फिर स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अब आपको अगली खबर उत्तराखंड की दिखाएंगे। यहाँ चमोली में बड़े हादसे की सूरत सामने आई, जहाँ चमोली द्रोणागिरी में एक ट्रैकर की मौत हो गई। दरअसल ये ट्रैकर यहाँ पर फंस गया था, ट्रैकर की तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई।
हादसे की खबर है उत्तराखंड के चमोली से। द्रोणागिरी में एक ट्रैकर की मौत हो गई है। ट्रैकर की तबीयत बिगड़ने की वजह से ये मौत हुई। बागड़ी ग्लेशियर की ट्रैकिंग पर एक ग्रुप गया था जहां चार ट्रैकर्स फंस गए। एसडीआरएफ ने तीन ट्रैकर्स को रेस्क्यू कर लिया था लेकिन एक ट्रैकर की मौत हो गई है। जोशीमठ हेलीकॉप्टर के जरिए उस ट्रैकर का शव लाया गया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने और इन तस्वीरों में आप पूरे हादसे को देख पाएंगे। देखिए एसडीआरएफ की टीम ने कैसे रेस्क्यू किया। चार ट्रैकर्स फंस गए थे। ये दुर्गम इलाका है जहां पर ट्रैकिंग करने के लिए लोग गए थे और यहां पर चार ट्रैकर्स फंसे। तीन को निकाल लिया गया, तीन वक्त रहते बाहर आ गए। बताया जा रहा है कि एक चौथा जो ट्रैकर था उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, जो फिर उसकी वहीं पर मौत हो गई, जिसके शव को हेलीकॉप्टर के जरिए, देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए इसके शव को जो है वो बाहर लाया गया है। ये दुर्गम इलाका है जहाँ पर ट्रैकिंग के लिए लोग पहुँचे हुए थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है।